हेलो फ्रेंड्स, शालू वेज किचन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, गर्मियां आने वाली हैं इसलिए हरी सब्जी की रेसिपी, जो कि हेल्दी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा स्वाद से भरपूर रहेगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक आलू बैंगन टमाटर की सूखी सब्जी, जिसे आप रोटी पराठे पूरी कचौड़ी राइस किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो आइए चलते हैं पालक की बहुत ही ज्यादा हेल्दी और टेस्टी सब्जी बनाने के प्रोसेस में। पालक की सब्जी बनाने के लिए हमने गैस पर रखा है एक लोहे की कढ़ाई, क्योंकि हरी सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाने से उसमें आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। सबसे पहले लोहे की कढ़ाई में हम 1 से 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। हल्का गर्म हो जाए तब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई, 1/4 चम्मच मेथी दाना और 1/2 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच ही डाल देंगे कलौजी। इन सभी चीजों के जगह हम नॉर्मल पचफोरन का भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी ये पांचों चीजें पाई जाती हैं। अब इसमें हम 7 से 8 कली लहसुन और 4 हरी मिर्ची को भी बारीक कट कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक भुनने के बाद इसमें हम ताजे फ्रेश 200 ग्राम पालक के पत्ते डाल देंगे। इसे सबसे पहले हमने वॉश किया है और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। लोहे की कढ़ाई में पालक के पत्ते हमने डाल दिए हैं। अब इसे पचफोरन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही साग को पकने देंगे। अब इसमें डालेंगे 2 कटे हुए लाल टमाटर, 2 कटे हुए आलू और 3 कटे हुए बैगन डाल देंगे। बैगन आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अब इन सभी चीजों को एक बार अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, जिसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो देखा आपने, हरी सब्जी बनाते टाइम ज्यादा मसाले का यूज भी नहीं होता और इसकी सब्जी इतनी स्वादिष्ट बन के रेडी होता है कि जब आप बनाएंगे तब इसका टेस्ट आप खुद ही जान जाएंगे। तो सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। 5 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सभी सब्जियों से पानी अलग हो गया है। अब इसे हम ढकेंगे नहीं, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे कंटिन्यू चलाते हुए भुनना है, क्योंकि हरी सब्जी को जितना ज्यादा भुनेंगे टेस्ट उतना ही ज्यादा इसका बढ़ेगा। मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट चलाते हुए हो गया है और आप देख सकते हैं इस सब्जी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। सब्जी बनकर रेडी है। अब चलते हैं इसे फटाफट से सर्व करने के प्रोसेस में। तो देखा आपने, गर्मी के दिनों में झटपट बनाने के लिए ये सब्जी कितना बेस्ट है। झटपट बनने के साथ साथ ये हेल्दी और टेस्टी भी भरपूर है। तो इसे आप भी अपने लंच डिनर में बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हमारी अच्छे अच्छे रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।